हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा की डेथ के 2-3 महीने के बाद ही 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई, जहां पर बुद्धा की टीचिंग्स और बुद्धा की कही हुई बातों को मिलाकर दो रिटन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। ये दो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे सुत्पीतक और विनय पीतक। सुत्पीतक में बुद्धा की टीचिंग्स को डॉक्यूमेंट किया गया था और विनय पीतक में मोनेस्टिक कोड्स को, यानी संघ में रहने वाले लोग कौन से नियम और कानून फॉलो करेंगे, ये सारी बातें विनय पीतक में लिखी गई थी। बट मोनेस्टिक कोड्स को लेकर संघ के लोगों में आपस में मतभेद रहता था। इस मतभेद को सुलझाने के लिए 383 बीसी यानी फर्स्ट काउंसिल के 100 सालों के बाद एक दूसरी काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई, जिसे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहा गया। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में संघ के लोग इस बात को लेकर आमने सामने आ गए कि क्या विनय पीतक में नए रूल्स ऐड किए जाने चाहिए या नहीं। संघ में मौजूद मेजोरिटी लोगों का मानना था कि विनय पीतक में कोई भी नया रूल ऐड नहीं होना चाहिए। इस तरह की मान्यता वाले लोगों को महासंघिकास कहा गया। और दूसरी तरफ माइनॉरिटी में ही सही, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि विनय पीतक में नए रूल्स ऐड होने चाहिए। इन लोगों को स्थावीरवादी कहा गया। इस तरह सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धिस्ट संघ दो भाग में डिवाइड हो गया, स्थावीरवादी और महासंघिकास। इसके बाद 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई, जहां पर अभिधम्म पीतक को कंपोज किया गया था। अभिधम्म पीतक में सुत पीतक में मेंशन टीचिंग्स और फिलोसफीज को और ज्यादा डिटेल में मेंशन किया गया था थ्रू लिस्ट, समरीज और क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अभिधम्म पीतक को कंपोज करने में मेजोरिटी रोल स्थावीरवादियों का था। और दूसरी तरफ महासंघिकास ने अभिधम्म पीतक को एक कैनोनिकल टेक्स्ट मानने से मना कर दिया, यानी महासंघिकास के लिए अभिधम्म पीतक कोई बुद्धिस्ट टीचिंग का ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट नहीं है। स्थावीरवादियों ने जब अभिधम्म पीतक को कंपोज किया तो बुद्धा के डिस्कोर्सेस को मेंशन करते हुए उन्होंने दो वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया था। ये दो वर्ड्स थे पुगदल और सत्वा। पुगदल का मतलब होता है पर्सन और सत्वा का मतलब है लिविंग बींग। अब इन दोनों वर्ड्स के यूसेज को लेकर स्थावीरवादियों में आपस में मतभेद होना शुरू हो गया। स्थावीरवादियों का एक सेक्शन ये मानता था कि बुद्धा की जो ऑडियंस थी वो अलग अलग तरह की थी। उन्हें ऐसे लोग भी सुनते थे जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल थे और ऐसे लोग भी सुनते थे जो कि फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स को राइट अवे समझ नहीं सकते। और इसीलिए बुद्धा कई बार इस तरह के लोगों को फिलोसफिकल स्टेटमेंट समझाने के लिए इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते थे। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से सभी स्थावीरवादी संतुष्ट नहीं थे और इसके लिए स्थावीरवादी दो ग्रुप्स में बंट गए। पहले ग्रुप को कहा गया पुगदलवादी और दूसरे ग्रुप को कहा गया सर्वस्थिवादी। और बाद में सर्वस्थिवाद को अपोज करते हुए एक और सेक्ट बना, जिसे कहा गया विभाजवाद। हम इस वीडियो में इन तीनों सेक्ट्स के फिलोसफिकल डिफरेंस को समझेंगे और शुरुआत करते हैं सर्वस्थिवाद से। देखिए, बुद्धिज्म का ये एक एस्टेब्लिश कंसेप्ट है कि हर एक इंडिविजुअल 5 स्कंध से मिलकर बना हुआ है। ये 5 स्कंध है बॉडी, इमोशंस, परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी और कॉन्शियसनेस। इन 5 स्कंद को कई बार धर्म कह के भी रेफर किया जाता है और ये धर्म ही है जो इंसान की रियलिटी को दर्शाता है। और सर्वस्थिवाद की फिलॉसफी कहती है कि ये धर्म तीनों जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। मतलब बॉडी, इमोशंस, परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी और कॉन्शियसनेस, ये आपसे पहले भी थी, आपके साथ भी है और आपके बाद भी रहेंगी। लेकिन ये सभी धर्म लगातार चेंज होते रहते हैं। इनकी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस और अरेंजमेंट्स लगातार चेंज होते रहते हैं। यानी अगर हम सिर्फ बॉडी की बात करें तो आपकी बॉडी आपके जन्म होने से पहले भी मौजूद थी, आपके साथ भी मौजूद है और आपकी डेथ के बाद भी रहेगी, लेकिन उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में आपके साथ अभी है। कहने का मतलब, आपकी डेथ के बाद जब आपकी बॉडी डिके हो जाएगी या उसे जला दिया जाएगा, तब भी उसके जो पार्टिकल्स और एटम्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। यानी आपकी बॉडी एक फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होके दूसरी फॉर्म ले लेगी। तो ये थी फिलॉसफी सर्वस्थिवाद की। अब बात करते हैं विभाजवाद की। विभाजवाद की फिलॉसफी लगभग सर्वस्थिवाद जैसी ही है, लेकिन इनका मानना है कि सिर्फ कुछ ही ऐसे स्कंद हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जगह पर अवेलेबल हैं। सारे के सारे स्कंद तीनों जगह मौजूद नहीं है। यानी ये लोग धर्मों को इस बेस पर डिवाइड करते हैं कि क्या वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह अवेलेबल है या नहीं, और इसी के बेस पर इनका नाम पड़ा
विभाजवाद, जिसका मतलब होता है ऐसे लोग जो कि डिस्टिंक्शन करते हैं। तो ये थी फिलॉसफी विभाजवाद की। अब बात करते हैं पुगदलवाद की, जिसे लेकर ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था। देखिए, सर्वस्तिवाद की फिलॉसफी में हमने देखा था कि इंडिविजुअल को कलेक्शन ऑफ फाइव स्कंद की तरह डिफाइन किया गया था, लेकिन पुगदलवाद में कहा गया कि स्कंद के अलावा भी हर एक इंडिविजुअल की अपनी यूनिक और एंड्यूरिंग आइडेंटिटी होती है, जिसका उसके पांच स्कंदों से कोई लेना देना नहीं है। और इसी यूनिक आइडेंटिटी को पर्सन या पुगदल कहा गया है। और पुगदलवाद की इस फिलॉसफी में स्कंद को पुगदल का बर्डन माना गया है, और कहा गया है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा पुगदल अपने इस बर्डन को रिमूव कर सकता है और अपने आप को एक एनलाइटेंड बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और क्योंकि इस फिलॉसफी का पूरा फोकस पुगदल यानी पर्सन पे है, इसीलिए इस फिलॉसफी को फिलॉसफी ऑफ पर्सनलिज्म भी कहा जाता है। और क्योंकि इस फिलॉसफी को वत्स पुत्र ने दिया था, इसीलिए इस फिलॉसफी को मानने वालों को वत्सी पुत्रियास भी कहा जाता है। तो ये थी फिलॉसफी पुगदलवाद की। पुगदलवाद में भी आगे चलकर चार नए सेक्ट्स बने, जिनका नाम है समित्या, धर्मोत्तरिया, भद्रण्य और सन आग्रिका। इसके अलावा विभाजवाद और सर्वस्तिवाद के लोगों ने भी मिलकर दो नए सेक्ट्स बनाए, हेमवाद और महिषासक। इनफैक्ट महिषासक के अंदर भी एक सबसेक्ट बना, जिसे कहा गया धर्मगुप्तक। सर्वस्तिवाद के अंदर ही तीन नए सबसेक्ट्स बने, स्वतंत्रिका, मूल सर्वस्तिवाद और वैभाषिका। तो ये तो बात हुई स्थवीरवादियों की। दूसरी तरफ महासंगिकास भी तीन सेक्ट्स में डिवाइड हो चुके थे, गोकुलिका, कैतिका और एक व्यवहारिका। ये तीन भी फर्दर सबसेक्ट्स में डिवाइड हुए, जिनके नाम है बहुसूत्रिया, प्रजनप्तिवाद, अपारशैला, उत्तराशैला और लोकोत्तरवाद। लोकोत्तरवाद बेसिकली शून्यवाद की फिलॉसफी है, और बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि महासंगिकास के सारे सेक्ट्स शून्यवाद की ही फिलॉसफी को मानते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क है। चलिए लोकोत्तरवाद और शून्यवाद की इस फिलॉसफी को समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि क्योंकि पुगदल स्कंद के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, और इससे कंसेप्ट आता है पुगदल शून्यता का। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि इन स्कंद की भी अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स और कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, जो कि लगातार चेंज होते रहते हैं। और क्योंकि ये धर्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट आता है धर्म शून्यता का। और लोकोत्तरवाद में हमें पुगदल शून्यता और धर्म शून्यता का ही कंसेप्ट मिलता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि संघ के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स और सबसेक्ट्स बन चुके थे, और इनमें से 18 सेक्ट्स का जिक्र कथावत्तु नाम की एक किताब में मिलता है, जिसे मोगलीपुत्र तिस्सा ने लिखा था। तो अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जितने ज्यादा सेक्ट्स थे, उतने ही ज्यादा डिस्प्यूट्स थे, और इन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए 1st century AD में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म सेक्ट्स के इतने सारे सेक्ट्स के लोग मौजूद थे कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। किसी भी तरह का कोई तालमेल नहीं था, हर कोई अपनी बात कह रहा था। फिर एक आदमी बीच में से खड़ा हुआ और उसने पूछा कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बुद्ध भगवान थे। अचानक से बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। तो जो लोग ये मानने लगे थे कि बुद्ध भगवान थे, उन्हें महायानिस्ट कहा गया, और जो लोग बुद्ध को अभी भी भगवान नहीं बल्कि टीचर के रूप में देखते थे, उन्हें हीनयानिस्ट कहा गया। यानी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान। जितने भी महासंगिका सेक्ट्स थे, उन्होंने महायान की तरफ अपनी एफिलिएशन दी, और जितने भी स्थावीरवादी सेक्ट्स थे, उन्होंने हीनयान को एफिलिएट किया। एक्चुअली हीनयान का मतलब होता है नैरो व्हीकल, और स्थावीरवादी नहीं चाहते थे कि उन्हें इस नाम से पुकारा जाए, इसीलिए उन्होंने अपने आप को थेरावादीन कहा। थेरावादीन का मतलब होता है स्कूल ऑफ एल्डर्स। थेरावादीन का मानना था कि बुद्धिज्म की ओरिजिनल टीचिंग्स में किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महासंगिकास जो कि महायान को एफिलिएट करते थे, उनका मानना था कि बिना बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफी को टच किए अगर कोई नया कंसेप्ट बुद्धिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर आपको एग्जाम में किसी भी स्थवीरवादी या फिर थेरावादी सेक्ट का नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये हीनयान को एफिलिएट करता है या फिर महायान को, तो आंसर होगा हीनयान। और इसी तरह अगर आपको कोई भी महासंगी का सेक्ट का नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये हीनयान को एफिलिएट करता है या फिर महायान को, तो आंसर होगा महायान। बट क्वेश्चन ये है कि आप इतने सारे सेक्ट्स के नाम याद कैसे रखेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिर्फ महासंगी का सेक्ट के नाम ही याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपसे
किसी बुद्धिस्ट सेक्ट का नाम पूछा जाता है जो कि आपके याद किए हुए नाम में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बुद्धिस्ट सेक्ट महासंगीकाज नहीं बल्कि थेरावादी या फिर स्थवीरवादी है। और महासंगीका सेक्ट के नाम आप एक छोटी सी स्टोरी से याद रख सकते हैं। गोकुल नाम की जगह पर प्रजना की बहू कैतिका की दो बेटियां थी, अपारा और उत्तरा। इन दोनों का एक जैसा व्यवहार था, दोनों को कुछ नहीं आता था। जीरो यानी शून्य, और शून्य का मतलब है लोकोत्तरवाद। ये थी डिटेल्स बुद्धिस्ट सेक्ट की। एंशियंट हिस्ट्री को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।